हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है आज की ऑल्टकॉइन अपडेट वीडियो में। गाइस, बहुत सारे ऑल्टकॉइन्स आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पहली वीडियो की जिसमें हम लोग मोर देन यहाँ पर 7 ऑल्टकॉइन्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। 7 ऑल्टकॉइन्स कौन कौन से हैं? 1inch है, ल्यूना है, WRX है, एडा है, मैटिक है, डॉट है, AVAX है, सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कल, अच्छा हमने आपको कल की वीडियो में बताया था एडा की अपडेट वीडियो, जिन्होंने देखी होगी बच गए होंगे बहुत से लोग। कल मैंने आपके सामने ये बताया था, देखिए ड्रॉ भी किया है, 25% नीचे आने के चांसेस थे डोमिनेंस के, 75% ये देखिए ड्रॉ किया है, ड्राइंग ऑल दो गंदी है मेरी, बट 75% ऊपर आने के चांस थे बाउंस बैक करने के ऊपर की ओर। ये देखिए बाउंस बैक इसने किया, आज ग्रीन कैंडल बनी, डोमिनेंस बढ़ी, सारा पैसा बिटकॉइन में गया, मतलब पूरा, मतलब लगभग ज़्यादा पैसा बिटकॉइन में गया। ऑल्टकॉइंस जो है रेक्ट हो गए हैं, गिर गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके बारे में वार्निंग मैंने आपको पहले से दी थी, 40 के आसपास काफ़ी प्राइस एक्शन जो है यहाँ पर 40 के आसपास बाउंस बैक किया है पहले भी, मई 19 के क्रैश में भी यही हुआ था, आज भी यही होगा। तो इसके पास पास जब भी आएगा थोड़ा बहुत ये लड़खड़ाएगा जरूर, ये पिछला लेवल होता है। अब यहां से ये ऊपर गया, अब देखना ये है कि ये बहुत तेजी से तो नहीं बढ़ा है, ठीक पीक इसने बनाया 41.5 का। यहाँ से अगर ये नेक्स्ट कैंडल नीचे की ओर ही लेता है, नीचे गिरता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। हम चाहते हैं ये नीचे गिरे डोमिनेंस, तभी हमारे लिए फ़ायदा होगा, ठीक। तो अब नेक्स्ट मैं आपको ऑल्टकॉइंस बताने वाला हूँ, उसके बारे में कौन से आप बाय कर सकते हो इस डिप में, और वो आपको प्रॉफिट देंगे जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले तो आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, इससे जुड़ जाओ यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ठीक। इसमें चार्ट्स वगैरह मैंने आपके साथ जो है शेयर करके रखे हैं, तो ये सब चीज़ हो गई। नेक्स्ट अगर अब हम बात कर लें चार्ट में जाके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट एडा की। एडा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर आप देखो एडा ने क्या किया है, हमारा जो रेंज है DCA का, एडा उसी रेंज में है और उसका बॉटम भी टच कर दिया, 2.3737 मैं बोल रहा था काफ़ी दिनों से आप लोग को। एडा का नेक्स्ट जो देखने के लिए होगा, अच्छा आज का सेल ऑफ भी इसमें कुछ हुआ होगा ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सेल ऑफ आज हुआ होगा क्योंकि आज लॉन्चिंग हुई है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देखोगे नीचे ये जो 2.2 का लेवल है ये आप देखे रहना, आप चाहो तो एंट्री लगा के भी बैठ सकते हो। अगर यहाँ आता है तो भैया बल्ले बल्ले, यहाँ से आपको अच्छी खासी जो है मिलेगी, मतलब यहाँ से आपको बाउंस बैक एक अच्छा मिलने के चांसेस हैं इस रेंज से। बेस्ट वन जो रेंज आपकी है कौन सी, 2.2 से $2 के आसपास, ये रेंज से बाउंस बैक होने के मेरा ख्याल है कि होना ही चाहिए क्योंकि एडा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉइन है और यहाँ पर इतना कन्विक्शन नहीं करना चाहिए इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैटिक के बारे में, मैटिक अभी भी हमारे उसी जोन में है जो कि है एक्यूमुलेशन जोन। मैंने आपको बताया है मैटिक 1.3 से लेके 1.2 1.1 के बीच में आप कहीं भी एक्यूमुलेट कर रहे हो तो आप वन ऑफ द वो लोग हो जो लोग मतलब तूफान से पहले आने वाली शांति को जान जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है और मैटिक काफ़ी अच्छा मूव दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में चीज़ें आ रही हैं देखने में, और दूसरी चीज़ ये है कि मैटिक का मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन तो अच्छा खासा कर रहा है अपना हिसाब से, पर मैटिक में ऐसा कॉइन है जिसने अच्छा खासा अपना ये बैरियर नहीं तोड़ा था। इस बैरियर को तोड़ने मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट अगर जब इसकी रैली होगी मजबूत वाली तो इसका बैरियर भी टूटेगा, ये अपना ऑल टाइम हाई को भी तोड़ के जाएगा ऊपर, ये मेरा मानना है, ठीक। आप लोग का क्या मानना है आप लोग अपना बताइएगा। यहाँ से जो मैंने इसका देखा है, जितना हमारा ये फेवरेट कॉइन टाइप का है, हमारे चैनल को वन ऑफ द फेवरेट कॉइन आपको पता ही होगा, ये एक्चुअल में रिएक्ट करता है वैसे जैसे हम लोग बताते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें डॉट के बारे में, डॉट एक ऐसा कॉइन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ डिप में बाय करने के लिए, ठीक। अभी मैंने आपको बोला नहीं कोई आपको बाय करना है कि नहीं, एडा का मैंने आपको रेंज बताई, मैटिक की रेंज बताई, पर डॉट एक ऐसा कॉइन है जिसको आपको डिप में लेना ही चाहिए। डॉट ने अच्छी खासी रैली की, देखिए $38 का मैंने आपको टारगेट दिया था, $38 जो टारगेट है वो हो गया पूरा। कैसे हुआ, 38.41 पे लाइन बनाई थी, ये 38.38 एग्जैक्टली $38 तक गया डॉट, और वहां से एग्जैक्टली नीचे की ओर आया, ठीक। तो ये तो नीचे जो आया वो तो रेक्ट हो गए सारे ऑल्टकॉइन इस वजह से आया है, पर डॉट एक अच्छी रैली करने के मूड में लग रहा है, पूरी तरह से तैयार भी है, और डॉट का मूवमेंट मुझे अपर अब नेक्स्ट जो है 38 का हमारा पूरा हो गया है। डॉट की इनिशियल कॉल हमारे चैनल पे दी गई थी $12-13 के आसपास, डॉट अब तक 3x हो चुका है, और नेक्स्ट अगर हम आपको बताएं तो 41 होगा, उसके बाद हमारा 46 होगा, और नेक्स्ट मैंने क्या बनाया हुआ है यहाँ बनाया नहीं 50 होगा, ऑब्वियसली 50 होगा। तो ये 41 46 वाला लेवल्स आप देखते रहना, ये
इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। मेरा ख्याल से 41 वाला नेक्स्ट है, ठीक, तो इसके बारे में देखना। यहाँ से डिप से जब रिकवरी होगी तो हम अच्छा खासा ऊपर जाएंगे। फिलहाल के लिए डिप के भी चांसेस नहीं है, तो आपको मैं ये बोलूँगा DCA लेना। अभी ये भी कन्फर्म नहीं कि डिप ये बड़ी हो सकती, क्योंकि डोमिनेंस डिसाइड करेगी, बट आप क्या करना, आप यहाँ पर DCA करना, पूरा पैसा एक बार में नहीं, DCA करना एक बार में नहीं, ठीक। और DCA का मतलब क्या है, टुकड़ों में एंट्रीज को बांट देना। ये AVAX है, नेक्स्ट कॉइन जो आपको डिप में लेना चाहिए। AVAX जो है काफ़ी अच्छे मूड में था, डिफाई इंसेंटिव प्रोग्राम निकला था, ऊपर जाने के मूड में था 100। और फिर मैंने आपको बोला था अगर BTC कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करे इसके लिए तो ये आसानी से $100 जाता। अच्छा खासा पंप था, वॉल्यूम थी, सब कुछ अच्छा था, पर यहाँ पे देखिए BTC ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी और यहाँ पर इसको नीचे ले आया। तो ये तो हो गए हमारे कुछ कॉइन्स हो गए। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट थोड़े ऐसे कॉइन्स की बात कर लें जिनकी बात कम करते हैं। लूना जो है करेक्शन करा, इसको डिप में बाय करने को अभी सजेस्ट नहीं करूँगा। लूना को आप बाय भी करना तो आप ये 33 के आसपास ही करना, 33 से नीचे या 33 के आसपास, ठीक। तो अभी थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें हो जाने दो, इसमें ज़्यादा कुछ आकाश है नहीं। एक्युमुलेट करना चाहो तो कर लो, बीच बीच में करते रहो, इनकेस अगर मिस आउट नहीं करना चाहते हो, फोमो हो रहा है। 1 इंच की बात करें तो 1 इंच अपने आसानी से अपने जो DCA की रेंज बताई थी आपको आराम से मिली है, DCA की रेंज आज मिली आराम से 2.7 की। 1 इंच के बारे में एक बात बताऊं तो $4 इसने टच किया था अभी रिसेंटली, और हमने आपको बताया था 2.8 पे चैनल पे, तो लगभग आपका 70% 80% का मुनाफा हुआ होगा 1 इंच में उस समय। लेकिन अभी फिलहाल ये नीचे आया तो यहाँ पर भी आप पिक कर सकते हो, 1 इंच ऊपर जाने के मूड में लग रहा है इसको तोड़ने के $4 के। तो इसको लेना कब आपको है, DCA की जो रेंज बताई उस रेंज के आसपास लेना है, जो कि है 2.5 से लेके 2.7 के बीच, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट कॉइन हमारे पास WRX, WRX को भैया बहुत लोग कह रहे हैं कवर नहीं करते हो, अब भाई क्या बताऊं, WRX वन ऑफ द वर्स्ट कॉल्स रही अपने चैनल की, लेकिन फिर भी WRX को लेकर मैं एज इन अ लॉन्ग टर्म काफ़ी बुलिश हूं, बिकॉज यहां पर देखिए WRX ने कोई भी प्राइस एक्शन कुछ भी दिखाया ही नहीं अच्छा यहां पर, ठीक। यहाँ पर ये लाइन इसने ब्रेक नहीं की, जो यहाँ पर कर्व बन रहा था कप एंड हैंडल वाला, यहाँ पे ये भी टूट गया, कुछ अच्छा यहाँ पर करा ही नहीं इसने, परफॉर्म नीचे आ गया। उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगा WRX में एंट्री लेने से मैं आपको मना करूँगा, अभी फिलहाल WRX में एंट्री लेना बेकार है, उससे अच्छा आप दूसरे में ले लीजिए। WRX में एंट्री लेनी है, WRX को मैं होल्ड करने को आपको बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि यहाँ से डेक्स वगैरह आ रहा है ना, तो उसकी लॉन्चिंग हो सकती है। अब ये मत बोलना कि भाई आप तो पलट गए, आप WRX बोल रहे थे, भाई देखिए मार्केट जो है ना उसको समझ के चलना पड़ता है। अभी जो करेंटली चल रहा है उसके हिसाब से मुझे WRX सबसे वर्स्ट लग रहा है, एंड करेंटली हमारे चैनल पे दी गई एक लौता यही कॉइन है जिसने अभी अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो वो रिटर्न आने के लिए आपके पास जितने WRX हैं उसको तो होल्ड करो, बट नया कुछ मत लेना, अभी मत लेना एटलीस्ट, ठीक। तो ये हो गया WRX हो गया, एडा बात कर ली, डॉट कर ली, AVAX कर ली, मैटिक हो गया, लूना हो गया और 1 इंच हो गया। तो फिलहाल के लिए आप ये डिप में कर सकते हो एक्यूमुलेट, और डिप कितना रहेगी ये डिसाइड करेगा, देखते हैं डोमिनेंस यहाँ से फेल होती है कि नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से डोमिनेंस को फेल होना चाहिए। 25% जो चांस मैंने आपको बताए थे वो प्ले आउट करने चाहिए, नीचे आना चाहिए, क्यों, क्योंकि दूसरी बार रीटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक। और ये 5 डेज इन अ रो, 1 2 3 4 5, आज 5वां दिन है इन अ रो है जो हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं उसी लेवल को, तो इसको ब्रेक करना चाहिए, एटलीस्ट ब्रेक करना चाहिए। अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से एक अच्छी खासी ऑल्टकॉइंस में रैली आएगी गाइस, और वो रैली काफ़ी अच्छी आने वाली। तो जो कॉइन आपको बताएं डॉट AVAX और मेन डॉट AVAX एडामैटिक, ये चार आप जरूर एक्यूमुलेट करना, कुछ अच्छे मूड में लग रहे हैं। तो गाइस ये थी आज की ऑल्टकॉइन अपडेट वीडियो, आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।